भारतीय वायुसेना का जगुआर फाइटर एयरक्राफ्ट गुरुवार की सुबह दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बच गया। बताया जा रहा है कि उड़ान के कुछ समय बाद विमान से एक पक्षी टकरा गया, जिससे विमान का एक इंजन फेल हो गया। पायलट ने सूझबूझ का परिचय देते हुए विमान में लगे हुए अतिरिक्त फ्यूल टैंक और ट्रेनिंग बम को नीचे गिरा दिया, जिसके बाद विमान की अंबाला एयरफोर्स बेस पर सुरक्षित लैंडिंग हो गई। विमान से गिराए गए फ्यूल टैंक और ट्रेनिंग बम को बरामद कर लिया गया। इससे पहले 8 जून को गोवा एयरपोर्ट पर भारतीय नौसेना के मिग 29 के विमान से गिरे फ्यूल टैंक के कारण कुछ समय के लिए विमानों का परिचालन बंद करना पड़ा था। बताया जा रहा है कि उड़ान भरने के दौरान तकनीकी खामियों के कारण पायलट को फ्यूल टैंक को गिराना पड़ा था। बता दें कि प्रत्येक विमान में ईंधन भरने की एक निश्चित क्षमता होती है। उनकी इसी क्षमता को बढ़ाने के लिए विमानों में बाहर से अतिरिक्त फ्यूल टैंक जोड़े जाते हैं। इससे विमान की उड़ान भरने की क्षमता में वृद्धि होती है। आपात स्थिति में पायलट जब चाहे तब इस अतिरिक्त फ्यूल टैंक को विमान से अलग कर सकता है। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन की दीवार पर तेज धमाके के साथ एयरफोर्स के जगुआर विमान का मलबा गिरने की जानकारी है। चश्मदीदों के मुताबिक धमाका बहुत तेज था और इसके बाद एयरबेस के अंदर धुएं के काले बादल छा गए। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और एयरफोर्स के आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। अंबाला शहर के रियासी इलाके बलदेव नगर के पास स्थित एयरफोर्स स्टेशन की दीवार से टकराते हुए विमान का मलबा गिरा। कुछ अंश रियासी इलाके में भी गिरते देखे गए। ब्यूरो रिपोर्ट, BHBC न्यूज़।